बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो हम डिनर में बनाने जा रहे हैं वो स्पेशल से स्मोकी चिकन तंदूरी कढ़ाई बना रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, उम्मीद है कि आप बकरीद पे ज़रूर ट्राई करेंगे। मैं यहाँ पे चिकन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन और बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मटन और बीफ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पपीता लाजमी इस्तेमाल करिएगा। चलें जी रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन लिए, अभी जैसे कि मैंने आपको कहा मटन भी ले सकते हैं बीफ भी ले सकते हैं, और मैरिनेशन के लिए इसके लिए फिर आपको, अगर आप बीफ मटन ले रहे हैं तो आप पपीता इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैंने चिकन लिए 1 किलो, ठीक है। इसके अलावा मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 पाव दही लिया है, ये मैंने 1.5 लेमन लिए थे उसका जूस है ये। इसके अलावा मैंने अनियन यूज़ किया, इससे अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी हमारी तंदूरी चिकन में, ठीक है ना। ये मैंने तकरीबन 2 स्मॉल साइज़ के अनियन लिए थे और उसको मैंने फ्राई किया और उसके बाद मैंने क्रश कर लिया। ये 2 मैंने लाल मिर्च से मेरी मुराद है जो हरी मिर्च जो कि रेड हो जाती है ये वो है, और तकरीबन 4 हरी मिर्च यूज़ किए, यानी कि 2 हरी मिर्च और 2 लाल मिर्च मेरे पास रखी हुई थी तो आप मैंने यूज़ किए, आप चाहें तो 4 हरी मिर्च यूज़ कर लें। उसको मैंने क्या कर दिया, क्रश कर लिया इसको। इसके अलावा जो हमें ये मेरी कसूरी मेथी मैंने ली है, ये 1 टेबल स्पून है, इसको एंड में डालेंगे। स्पाइसेस की तरफ आते हैं। स्पाइसेस में मुझे 1 टेबल स्पून मुझे लाल मिर्च मैंने ली है, पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जो है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, और ये मैंने जायफल जावित्री ली है तकरीबन 1/2 टीस्पून, ठीक है। कसूरी मेथी मैंने आपको बता दी है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून मैंने गरम, ये 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर, ये फ्रेशली होममेड है, 1 टेबल स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और साबित धनिया, ये दोनों जो है मैंने इसको भून के कूट लिया था। ये मैंने तकरीबन 3 स्मॉल साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इनको मैंने प्यूरी बना ली है, इनकी मैंने प्यूरी बना ली है, ठीक है। चलें जी सबसे पहले मैरिनेशन का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जी दही ले लिया, ठीक है, दही ले लिया है। इसके अलावा मैंने लेमन टेंडराइज़र का काम करेगा, ठीक है जी, लेमन। ये हमारे सारे स्पाइसेस इसमें शामिल हो गए, कश्मीरी लाल मिर्च और ये लाल मिर्च, ये हमारे स्पाइसेस आ गए। कसूरी मेथी हम लास्ट में यूज़ करेंगे, ये हमारी जायफल जावित्री, 2 ब्लेड्स मैंने जावित्री की ली थी और 1/4 मैंने जायफल ली थी, हरी मिर्च, और ये हमारी प्याज हमने शामिल कर दी, ठीक हो गया। अदरक लहसुन, और इसके बाद फिर हम चिकन शामिल करते हैं। अच्छा, इसकी मैरिनेशन तकरीबन 1 घंटे, आपको 1 घंटा इसमें दरकार है, तो 1 आवर की मैरिनेशन है, चिकन अच्छी सी मैरिनेट हो जाती है अबाउट 1 आवर में। तो जी आप 1 घंटे के लिए इसको रेस्टिंग पीरियड में रख दें, ठीक है, 1 घंटे के लिए। चलें जी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। अच्छा जी, आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी शामिल कर सकते हैं, मैंने जी बोन भी है और बोन भी इसके साथ ही है। तकरीबन मैंने 1 किलो चिकन लिए, आप चाहें तो आप मटन बीफ भी ले सकते हैं, लेकिन आप पपीता भी फिर इस्तेमाल करिएगा, पपीता भी हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब इसको अच्छा सा जी मसालों को चिकन के ऊपर लगाएंगे, ज़बरदस्त सी तंदूरी चिकन बनेगी, और लास्ट में फिर हम इसमें कोयले का धुआं दे देंगे तो हमारी तंदूरी वाली जो एरोमा है वो ज़बरदस्त इसमें आ जाएगा। चलें जी, ये हमने मसाला बहुत ज़बरदस्त इसमें ला दिया, और यकीन जाने इस टाइम पे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलें जी, अब इसको मसाला हमने अच्छा सा लगा दिया, तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे। अच्छा जी, ये देखें जी हमारा चिकन 30 से 35 मिनट्स मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, ठीक है, मैरिनेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप चाहें तो जी 1 आवर भी रख सकते हैं, 30 मिनट्स के लिए मैंने रखा है, आप चाहें तो 1 से 2 आवर्स भी रख सकते हैं, अच्छी सी मैरिनेशन हो जाएगी। अच्छा, ये 1 कप ऑयल लिया है, इसमें अब मैं चिकन को शामिल कर रही हूँ, 1 कप ऑयल, अच्छा सा ऑयल, मैंने ज़्यादा सा ऑयल लिया हुआ है,
इसमें हमने अपनी मैरिनेशन जो हमने मैरिनेटेड चिकन है वो ऐड कर दी। अब इसको तकरीबन हम इसको भूनेंगे, अबाउट 5 मिनट्स to 7 मिनट्स इसको भूनेंगे। हमने अपनी सारी मैरिनेशन इसके अंदर ऐड कर दी है। बहुत ज़बरदस्त ही रेसिपी है, अगर आप चाहते हैं चिकन में बनाना आप चिकन में बनाएं, बकरीद करीब है, ज़बरदस्त ही रेसिपी है। मटन में चाहें मटन में बनाएं, बीफ में चाहें बीफ में बनाएं, लेकिन एक चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये है कि बीफ और मटन के लिए पपीता आपको मस्ट लगाना है। और अगर आप बीफ या मटन यूज़ कर रहे हैं तो आपने ओवरनाइट इसको फिर मैरिनेट करके रखना है ताकि वो अच्छा सा गल जाए। हाई फ्लेम कर देते हैं। अब ये हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको अच्छा सा भूनेंगे। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें जी, अच्छा सा इसको भून रहे हैं हम। फ्लेम जी हमारा हाई है, हाई फ्लेम पे हम इसको भून रहे हैं। अच्छा, अभी आप देखेंगे कि आज जी डिनर में जो है ये हम बना रहे हैं और इसके साथ हम पराठे के साथ इसको सर्व करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट जो है हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसको भून लिया है। ठीक है, 5 से 7 मिनट इसको आप हाई फ्लेम पे, ताकि इसमें जो पानी जो निकलेगा चिकन से वो फौरन ही ड्राई हो जाए। और ये अब हम टोमेटो प्यूरी जो हमने बनाई थी वो हमने शामिल कर दी है। ठीक है, टोमेटो प्यूरी शामिल हो चुकी है इसके अंदर। अब इससे अब मज़ीद आप 5 मिनट भूने ऑन अ हाई फ्लेम। आप चाहते हैं इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखना तो आप ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये भुना हुआ बने। और ग्रेवी भी हो तो डजेंट मैटर, लेकिन ये कि आप इसको अच्छा सा भुना भुना बनाएं, मज़ेदार सा जी ये तैयार होता है। और अब हम इसको भून रहे हैं ताकि ये काफ़ी ड्राई हो जाए। अब ये तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको हाई फ्लेम पे हम भूनेंगे, फिर इसको हम ढक देंगे ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो जी अभी हम 5 से 7 मिनट इसको भून रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल कितनी ज़बरदस्त है। अच्छा, आप चाहें तो मैरिनेशन में आप जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं, जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब 5 से 7 मिनट हो गए हमें भूनते हुए। अब हम इसको दम लगा देते हैं मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये टेंडर हो जाए, चिकन हमारी गल जाए। चलें जी, इसको कवर करते हैं, फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम करते हैं ताकि ये चिकन भी हमारी अच्छी तरीके से गल जाए। चले जी व्यूअर्स, ये देखें जी, ये हमारी जी तंदूरी कढ़ाई रेडी है। आप अगर चाहते हैं कि जी ग्रेवी कम हो तो आप सही से भून लें, मुकम्मल भून लें इसको, तो ग्रेवी कम हो जाएगी। अब मेरे घर में जी बच्चे हैं तो ज़ाहिर है आपको पता है कि बच्चों को जी ग्रेवी चाहिए होती है। और आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत अच्छा सा गल गया, कोई पानी वानी इसमें ऐड नहीं किया है। अच्छा, क्योंकि ये स्मोकी है, अब ये रेडी हो चुकी है, स्मोकी है, तो इसमें स्मोक भी ऐड करेंगे। दूसरे जो चूल्हे पे मैंने कोयले को गर्म जी करने रखा है। अच्छा, इधर यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने जी 3 हरी मिर्चें शामिल कर दी। अब ये कसूरी मेथी है, इसको भी हमने जी मसल के डाल दिया। ठीक हो गया, कसूरी मेथी भी शामिल हो गई, हरी मिर्चें भी ऐड हो गई। अब बस ये रेडी है इस सर्व करने के लिए। लेकिन इससे पहले, क्योंकि तंदूरी है तो ज़रा तंदूरी फ्लेवर देने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें कोयला शामिल करेंगे। चूल्हा मैं करती हूँ बंद और स्मोक को मैं इसमें शामिल करूँगी। अब ये देखें जी स्मोक, अब स्मोक को आप डायरेक्ट तो डालेंगे नहीं, आपने क्या किया, ये मैंने प्याज का बाउल बनाया हुआ था, प्याज के अंदर मैंने ये कोयले को शामिल किया। अब मुझे ऑयल डालना है तो मैंने यहीं से ऑयल ले के 2-3 ड्रॉप्स इस कोयले पे टपका दूंगी। ये देखें जी, ये हो गया। अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए स्मोक देंगे, हमें ज़्यादा स्मोक नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा स्मोक देना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आफ्टर 2 मिनट्स वी विल मीट। चलें जी, ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी स्मोकी तंदूरी कढ़ाई, उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। इसको हम गार्निश कर लेते हैं, वैसे तो इसमें नीड नहीं है, लेकिन हम थोड़े से धनिए से गार्निश कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे बकरीद के ऊपर। आप चाहें तो मटन या बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि 24 आवर्स के लिए पपीता भी ज़रूर लगाइएगा। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।